तो आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल प्रोटेक्शन मेथड। एक्सेल की जो प्रोटेक्शन मेथड है, इस प्रोटेक्शन मेथड के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर फाइल को, पर्टिकुलर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने एक डेटा है, मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को चेंज ना कर सके, कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को चेंज ना कर सके, ऐसा हम चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना, उसके लिए कुछ नहीं करना, यहां पे सीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए प्रोटेक्ट शीट, सीट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और कीजिए प्रोटेक्ट शीट। और इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, पासवर्ड कंफर्म करने से पहले यहां पे एक चीज दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर। यहां पे साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आप पासवर्ड नहीं देते हैं, पासवर्ड अगर भूल जाते हैं तो ये पासवर्ड आपका रिकवर नहीं होगा। पासवर्ड कन्फर्म करते हैं एंड ओके। अब इसमें किसी भी तरह नहीं हो सकता, कोई भी यहाँ पे किस तरह का चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ इसको सिलेक्ट करके कॉपी किया जा सकता है और कॉपी करने के बाद किसी भी शीट में मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। सो मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा कोई कॉपी भी ना कर सके, पहले तो मैं यहाँ अनप्रोटेक्ट करता हूँ पासवर्ड डाल दिया। देखिए, कॉपी को डिसेबल करना एक्सेल के फीचर में नहीं है। जी हाँ, एक्सेल में आप कॉपी डिसेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कॉपी करने के लिए सिलेक्शन इंपोर्टेंट है, तो सिलेक्शन को आप डिसेबल कर सकते हैं। तो सिलेक्शन को डिसेबल कैसे किया जाए, जब आप पासवर्ड देते हैं तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें डिफॉल्ट होता है सिलेक्ट लॉक से सिलेक्ट अनलॉक से। ये क्या होता है कि आफ्टर दी पासवर्ड अप्लाई करने के बाद आप ये सारे फीचर यूज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्मेट सेल पे हमने क्लिक कर दिया तो मैं पासवर्ड डालने के बाद भी हम कोई चेंजिंग, बट इसके ऊपर हम पासवर्ड सॉरी कलर अप्लाई कर सकते हैं। So, ये अलाउंस होता है कि आफ्टर द पासवर्ड क्या क्या आप अलाउ कर रहे हैं यूजर को। तो डिफॉल्ट होता है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो हम क्या कर रहे हैं कि लॉक और अनलॉक को अनचेक कर दे रहे हैं। जब सिलेक्शन होगा ही नहीं तो कॉपी, जाहिर सी बात है कॉपी भी नहीं होगा। ओके, अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो कॉपी भी नहीं होगा। अब मैं यहां पे किसी भी तरह का क्लिक नहीं कर सकता, कहीं भी किसी भी तरह का क्लिक नहीं कर सकता, समझ गए। अब दूसरी बात में मैं चाहता हूं किसी पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर करना, मैं चाहता हूं जो कलर एरिया है प्रोटेक्शन से बाहर हो। तो एक चीज ध्यान दीजिए, आपने यहां पे देखा प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट्स ऑफ लॉक सेल। तो जो सेल लॉक्ड है, जो सेल लॉक्ड है वही प्रोटेक्शन में आता है, जो लॉक्ड नहीं है वो प्रोटेक्शन में नहीं आता है। तो सेल लॉक्ड अनलॉक है कैसे पता चलेगा, तो किसी भी सेल के ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और इसके सबसे लास्ट वाली टैब प्रोटेक्शन में लॉक पे बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, डिफॉल्ट क्लिक होता है, मतलब कि डिफॉल्ट हर एक सेल लॉक होती है, मतलब कि पासवर्ड को सपोर्ट करती है। मैं अगर अनचेक कर दूं तो अनलॉक हो जाएगी, पासवर्ड को सपोर्ट
नहीं करेगी। तो हमने क्या किया, ये जो कलर एरिया है, इस कलर एरिया के ऊपर हमने फॉर्मेट सेल पे जाके लॉक को हटा दिया एंड फिर पासवर्ड अप्लाई कर दिया। फिर राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट पे गया और वापस पासवर्ड लगा दिया। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ कुछ टाइप कर सकता हूँ, टाइप नहीं कर सकता। मैं और बताता हूँ कि मान लीजिए कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को ही प्रोटेक्ट करना है, बाकी रेस्ट ऑफ एरिया को अनप्रोटेक्ट करना है, तो क्या होगा। तो हमने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट हर एक सीट लॉक होती है, बाय डिफॉल्ट हर एक सीट का सेल्स जो है हर एक सेल्स लॉक होता है। एक कैसे पता चला, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन में लॉक पे क्लिक। हमने यहाँ वन और ए के बीच में जो ट्रायंगल है इस पे क्लिक किया, इससे मेरा पूरा का पूरा सीट सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और लॉक को चेक करूंगा। इससे क्या हुआ कि पूरी की पूरी शीट हमारी अनलॉक हो गई। अब मैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में लॉक लगा दूंगा। मतलब कि ये जो रेड एरिया है ये हमारा लॉक है, पासवर्ड को सपोर्ट कर रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ एरिया पासवर्ड को सपोर्ट नहीं कर रहा है। फिर राइट क्लिक करके मैं प्रोटेक्ट शीट पे आऊंगा और पासवर्ड डाल के पासवर्ड को कंफर्म करके ओके कर दूंगा। अब मैं टाइप नहीं कर सकता, बट यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूं। समझ आ गया आप लोगों की नहीं सर? आगे सर, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है, और अगला टॉपिक है इसका बेनिफिट क्या है। अभी जो हम आपको एग्जांपल बताया, इसका बेनिफिट क्या होगा। तो चलिए इसका एक हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट करते हैं। जैसे कि मेरे पास यहां नेम है, और यहां पे मैं दे देता हूं क्वांटिटी, यहां पे दे देता हूं एमआरपी, यहां पे हो जाएगा यहां पे अमाउंट, और यहां हो जाएगा टोटल, और यहां डेट एंड टाइम। एक छोटी सी डेटा एंट्री है हमारी। तो दो अमाउंट जो है वो क्वांटिटी और एमआरपी का मल्टीप्लिकेशन है। कमीशन अमाउंट का 2% है, जीएसटी जाहिर सी बात है अमाउंट का 18% होगा, और टोटल इन सबों का सम होगा। अब ये चार जो है कैलकुलेटिव है हमारा, हम इसको नीचे ट्रैक कर देते हैं। अब मैं डेटा एंट्री करता हूँ, मैंने यहाँ पे किया पूजा, क्वांटिटी हमने दे दिया, एमआरपी हमने दे दिया। अब मुझे यहाँ अमाउंट जो है, यहाँ पे डेट आ गया और यहाँ पे टाइम, तो मुझे डेट एंड टाइम एंट्री करने के लिए चार कॉलम को जंप करना पड़ेगा। बट ये चार कॉलम को हमें टाइप करना करने की जरूरत तो है नहीं, क्या हम क्या करेंगे यहां पे, पूरे सेल को सिलेक्ट करेंगे
फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, लॉक को हटा देंगे और वापस जो चार कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और वापस इस लॉक को लगा देंगे। और पासवर्ड देते समय, पासवर्ड जो है देते समय हम यहां अलाउंस में सिलेक्ट लॉक सेल को चेक कर रहे थे। लॉक सेल क्या है? ये आपका DEFG जो है कॉलम ये लॉक है, तो मैं इस लॉक सेल को हटा देता हूं। ठीक है, ओके कीजिए पासवर्ड डाल के। अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे मोहन की एंट्री करता हूं, यहाँ पे नंबर दिया, यहाँ पे भी नंबर दिया, जैसे टैब प्रेस करूंगा मेरा कर्सर सीधे जंप कर जाएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ। फिर यहां से जंप करके यहां आ गया, एंट्री कर देंगे। इससे क्या होगा, हर एंट्री पे आपका टाइम बचेगा। अगर मैं इसको अलग तरीके से समझाऊं, जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे हमारे पास नेम है, यहां पे पास सिटी है और यहां पे अमाउंट है, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि मेरा मैं इन जैसे एंटर प्रेस करके जो नीचे ना आके मैं डायरेक्ट यहां पे जंप करूं, करेंगे कंट्रोल प्रेस करके सबसे पहले इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, इसको लॉक हटा देंगे। लॉक क्यों हटाएंगे, ताकि मैं इस पे टाइप कर सकूं। तो लॉक हटाने का पर्पस है कि मैं यहाँ पे इसको टाइप कर सकूं। ओके कीजिए और पासवर्ड डालते समय क्या कीजिए, लॉक सिलेक्ट लॉक शेल को अनचेक कर दीजिए। अब मेरा कर्सर इन तीनों के अलावा कहीं और नहीं जाएगा। समझ गए डाउट इसमें? अब मान लीजिए कि हम एक ही सीट पे दो अलग अलग फॉर्मूले डालना चाहते, जी हाँ, जैसे कि मेरे पास दो या दो से ज्यादा एरिया है और दोनों एरिया पे अलग अलग किस्म काम करते हैं। मिस्टर ए इस पे काम करता है, इस पे मिस्टर बी काम करता है। मैं चाहता हूँ मिस्टर ए जो है मिस्टर बी का किसी तरह के डेटा को चेंज ना कर सके, मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के डेटा को चेंज ना कर। मिस्टर ए को मैं अलग पासवर्ड दे दूंगा, मिस्टर बी को मैं अलग पासवर्ड दे दूंगा। ठीक है, तो क्या करें इसके लिए, तो इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए और रिव्यू में एक होता है अलाउ एडिट रेंज, अलाउ एडिट रेंज यहां जाइए,
और न्यू पे आइए, यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए, माफ कीजिए मैं एक मैसेज देख रहा था, पासवर्ड डाल दीजिए एंड ओके, अगेन पासवर्ड डाल दीजिए, फिर न्यू पे आइए और इस बार इस रेंज चेंज कर दीजिए, दूसरा रेंज सेलेक्ट कर, और फिर इस पे पासवर्ड अलग डाल दीजिए और पासवर्ड को कंफर्म कर दीजिए। अभी अप्लाई करके ओके कीजिए तभी अप्लीकेबल नहीं है पासवर्ड। पासवर्ड मतलब तब होगा जब आप सीट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो सीट को तीसरा कोई पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर दीजिए। अब क्या हुआ कि मैं इस पे, लेकिन जैसे मैं इस पे चेंज करने जाऊंगा मुझसे पासवर्ड पूछेगा, और मैंने इसमें इसका पासवर्ड डाल दिया, जैसे मैं पासवर्ड 1 डाल के एंटर कर दिया, तो मैं इसके काम कर सकता हूं तब तक जब तक कि मैं अपनी फाइल को रीओपन ना करूं। जैसे मेरा फाइल रीओपन होगा वापस मुझसे पासवर्ड पूछेगा। अब इसमें अगला ऑप्शन होता है, मैं चाहता हूं कि सीट को भी कोई डिलीट ना कर सके, तो यहीं पे आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक होता है, इसमें आप पासवर्ड डाल दीजिए, पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। अब इसमें कोई भी पर्सन इसमें पासवर्ड डाल नहीं सकता, क्योंकि इसमें कोई भी सीट को डिलीट नहीं कर सकता, सीट की पासवर्ड, सीट के ऊपर किसी तरह के इंसर्ट डिलीट वगैरह जो भी कमांड होती है वो नहीं कर सकता। तो सीट का स्ट्रक्चर जो है आपका प्रोटेक्ट हो गया। ठीक है, एडिट कर सकते हैं क्या सीट के डेटा में? क्या एडिट कर सकते हैं सीट के अंदर? सीट के अंदर क्या कीजिए, सीट को कुछ नहीं कर सकते, सीट के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, इस फाइल को कोई ओपन ना कर सकता, तो फाइल में आएंगे हम। ठीक है, एक तो था फाइल अगर आपकी नई है तो सेव एज करते समय ब्राउज पे जाएं और यहां टूल्स पे जनरल ऑप्शन पे जाके पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, जी हाँ जनरल ऑप्शन। लेकिन अगर आपके पास फाइल पुरानी हो, क्योंकि सेव एज माने कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है उसको अगर आप करते हैं तो उससे दिक्कत क्या होती है, उससे दिक्कत ये होती है आपकी कि आपका जो फाइल है वो किसी डेटा से लिंक होगा और जिस कारण से आपका ऐसा हो सकता है कि आपका डेटा सही तरीके डेटा का लिंक जो है टूट जाए, इसलिए। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने इन्फो के अंदर में वर्कबुक में आपके सामने एनक्रिप्ट विद पासवर्ड है, इसमें आप पासवर्ड डाल सकते हैं, ये ओपनिंग पासवर्ड होती है।
तो आप फाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके तो इसका प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। कल की क्लास में हम इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सर यस्टरडे जो क्लास हुआ था उसका वीडियो थोड़ा भेज दीजिए। ठीक मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।